गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 3 की किताब सामाजिक अध्ययन की, जिसका नाम मेरी दिल्ली है, उसका पाठ नंबर 2 पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की दिल्ली। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ वाक्यों पर विचार कर लें, कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। जैसे दिल्ली में अलग अलग समय में बहुत से राजाओं ने ऐतिहासिक इमारतों को बनवाया। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। चलिए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। पुराने समय में दिल्ली के लोग कहाँ रहते थे? पुराने समय में दिल्ली के लोग यमुना के किनारे रहते थे। पुराने समय में दिल्ली कैसी दिखाई देती थी? अधिक पेड़ पौधे और कम लोग। अगला प्रश्न है, पुराने समय में लोग क्या खाते थे? उत्तर है कंदमूल और जानवरों का मांस। पुराने समय में दिल्ली का क्या नाम था? उत्तर है दिल्ली। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इनका एक शब्द में इनके उत्तर देने हैं। भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में। इसमें दो चित्र दे रखे हैं। ये प्राचीन यानी पुराने जमाने की दिल्ली का चित्र है, ये आधुनिक यानी नए जमाने की दिल्ली का चित्र है। इसमें आपको दोनों चित्रों को देखना है और दोनों चित्रों में आपको देख के पता लगाना है कि पुरानी दिल्ली के चित्र में और नई दिल्ली के चित्र में, यानी नए जमाने की आधुनिक दिल्ली में क्या फर्क है। तो देखते हैं, बहुत समय पहले की दिल्ली में क्या है? तालाब है, पेड़ हैं और कच्चे घर हैं। आधुनिक जमाने की यानी आज की दिल्ली में क्या है? बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मोटर गाड़ियां हैं और भीड़ भाड़ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, यहाँ किले बने हैं और यहाँ पर उनको बनाने वालों के नाम लिखे हैं। हमें उनका मिलान करना है। पहला है किला राय पिथौरा, ये बनाया है पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरा है सीरी फोर्ट, इसको बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं, आगे 2 किले और हैं। तुगलकाबाद का किला, इसे बनाया है गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुब मीनार को बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, आपके सपनों की दिल्ली कैसी होगी? सोचो और लिखो। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। ये देखिए, इधर संकेत दिए गए हैं, कुछ हिंट दिए गए हैं। आपको इनका इस्तेमाल करते हुए बताना है कि मेरे सपनों की दिल्ली कैसी होगी। चलिए करते हैं इसको। मेरे सपनों की दिल्ली बहुत साफ सुथरी होगी, जहां बहुत सारे पेड़ और पौधे सड़कों के दोनों तरफ लगे होंगे। दिल्ली की हवा साफ होगी और वाहनों का प्रदूषण नहीं होगा। दिल्ली के सभी लोग बिना डरे जी सकें, सभी स्वस्थ रहें। दिल्ली के सभी लोगों को पढ़ाई और विकास के अवसर मिलें, ऐसी है मेरे सपनों की दिल्ली। तो बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट हो गई है।